दोस्तों, काल भैरव को भगवान शिव के गणों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। काल भैरव के साथ हमेशा एक काला कुत्ता रहता है, जिसे उनका वाहन माना जाता है। काल भैरव और कुत्ते का संबंध धार्मिक, पौराणिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह संबंध न केवल काल भैरव के उग्र और रक्षक रूप को दर्शाता है, बल्कि भक्तों का इस बात को लेकर मार्गदर्शन भी करता है कि वे कैसे अपने जीवन में सुरक्षा और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी देवता उसी पशु को अपना वाहन चुनते हैं, जिसमें उनके गुण प्रतीकात्मक रूप से दिखाई देते हैं। काल भैरव का स्वरूप उग्र है और वहीं कुत्ते को भी एक उग्र पशु के रूप में देखा जाता है। कुत्ता ना तो अंधेरे से डरता है और ना ही शत्रुओं से। अगर शत्रु उग्र होकर हमला करता है तो कुत्ता उससे भी अधिक उग्र हो जाता है। कुत्ते को तेज बुद्धि वाला, स्वामी भक्त और रक्षा करने वाला एक वफादार प्राणी माना गया है। यह भी मान्यता है फ्रेंड्स कि कुत्ता बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है। इसलिए काल भैरव के साथ कुत्ते का होना उनके रक्षक और संरक्षक रूप को दर्शाता है। तंत्र शास्त्रों में काल भैरव को विशेष स्थान दिया गया है। काले कुत्ते को काल भैरव का वाहन मानकर उसकी पूजा करने से तांत्रिक क्रियाओं और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। कुत्ता सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। भैरव को शमशान निवासी बताया गया है, इसलिए शमशान ही भैरव की कर्मस्थली है। भैरव शरीर का नाश कर आत्मा को मुक्त करते हैं और शमशान में पशु के रूप में केवल कुत्ते ही दिखाई देते हैं। ऐसे में कुत्ता भैरव का साथी बना, वो उनकी सवारी नहीं है बल्कि उनके साथ चलता है। कुत्ते के धार्मिक महत्व के बारे में आपको जानकारी दें तो हिंदू मान्यता के अनुसार काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु के भय से दूर रहता है। यह भी माना जाता है कि कुत्ते को पास रखने से बुरी आत्माएं घर के आसपास नहीं भटकती है। काल भैरव की पूजा में काले कुत्ते का विशेष महत्व है। काला अष्टमी के दिन कुत्ते की सेवा करने और उसे भोजन खिलाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हैं, तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन एक रोटी में तेल लगाकर उसे आप काले कुत्ते को खिलाएं, इससे आपको शनिदेव से राहत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।